जीएसटी के पहले जो वैट लगता था उसकी आज बात करेंगे, और वैट टैली ईआरपी 9 में हम कैसे लगाते थे और प्राइम में कैसे लगा रहे हैं, दोनों ही को डिस्कस करेंगे, दोनों ही को देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए टैली ईआरपी 9 का 5.0 वर्जन है ये, और यहां पर आप देख सकते हैं इसे मैंने ओपन किया है। अगर आपको यहां पर वैट एक्टिवेट करना है तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए? आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से F11 की प्रेस करनी है। फंक्शन बटन F11 प्रेस करते ही यहां पर कंपनी फीचर्स आ जाता है, और कंपनी फीचर्स में आपको कहां जाना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है। यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए। पुराना वर्जन है, 5.0 वर्जन है, 2017 के बाद 2017 में आपका जीएसटी लागू हुआ था। तो फिलहाल हमको यहां पर क्या करना है, वाई प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, वैट यानी इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, और यहां पर नीचे दिया हुआ है सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल्स। तो इसको हमें क्या करना है, यस कर देना है, ठीक है। वाई प्रेस करके आपको केवल एंटर भर प्रेस करना है, ओके। तो यहां पर वाई प्रेस करके एंटर कर देते हैं। यहां पर आपका स्टेट आ रहा है, बाकी यहां पर आपको आपका टिन नंबर डालना होगा। जो भी व्यवसाय आप प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए आपको एक टिन नंबर मिलता है, और यहाँ पे आपका सेल्स टैक्स नंबर जो भी है वो आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वाई बटन प्रेस करेंगे, और वाई प्रेस करके एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये 12% टैक्स मैंने लगा दिया, और एंटर प्रेस किया यहाँ पे 3% लगा देता हूं, कुल मिला के 15 हो गया, ठीक है। यहां पर चाहे तो इसको भी यस कर सकते हैं आप, और बाकी कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब वैट तो एक्टिवेट हो गया टैली ईआरपी 9 में, अब एंट्री कैसे पास करेंगे? मैं एक परचेज में एंट्री पास कर देता हूं, सेम यही एंट्री सेल्स में भी लागू हो जाएगी। तो यहां पर आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आ गए। यहां पर आता है क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो कोई एक क्रेडिटर पार्टी में उठा लेता हूं, यहां से एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करते हुए यहां पे आ जाता हूं, और एंटर प्रेस कर दिया, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। यहां तक तो सब सेम है। फिर यहां पर आते हैं, कोई एक हम स्टॉक आइटम ले लेते हैं, लाइक कीबोर्ड ले लेते हैं। अब ये कीबोर्ड हम उठाएंगे कहां से, किस गोडाउन में हम इसको रखेंगे? तो यहां पे मैं कीबोर्ड को गोरखपुर गोडाउन में रख देता हूं, और कितने कीबोर्ड रख रहे हैं हम, 60 कीबोर्ड रख रहे हैं, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर वैट हमें नहीं दिख रहा है, तो वैट का लेजर हमें क्रिएट करना होगा, और यहां पर आपको टैली प्राइम के जैसे क्रिएट नहीं दिखेगा, यहां पर आपको लेजर बनाने के लिए क्रिएट की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहां पे आपको अल्ट साथ सी प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पे ये वैट आ जाएगा, वैट एट द रेट 12% मैं लिख देता हूं, इसका नाम दे देता हूं वैट एट द रेट 12%, ये दे दिया मैंने, अब एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखने के बाद ये क्या है क्या ये वैट है? तो यहां पर देखिए वैट को सिलेक्ट करना है आपको, वैट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, और इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, बस इतना ही आपको करना है। और यहां पर आपका वैट कैलकुलेट हो गया है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यहां पर एंटर प्रेस करके नीचे आइए, अब हमने एडिशनल टैक्स भी दिया था, तो 3% वाला एडिशनल टैक्स भी लगाना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडिशनल टैक्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने एडिशनल टैक्स, और एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और इस बार क्या है ये एडिशनल टैक्स है, तो बस एडिशनल टैक्स पे चले जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस कर लीजिए। तो यहां पर एडिशनल टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, बस इसको एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, काम हो गया आपका। जब भी सेंट्री को देखना होगा तो कहां जाकर देखेंगे, डिस्प्ले में जाकर देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैली प्राइम की, टैली प्राइम में कैसे ये काम करेंगे। लगभग सेम है दोनों में, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो ये आ गए हम टैली प्राइम में, और यहां से मैं कंपनी ओपन कर लेता हूं। अब महिंद्रा लिमिटेड के नाम से कंपनी बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। यहां पर भी प्रेस कर लेता हूं वाउचर एंट्री पास करने के लिए, और यहां पर हमको जीएसटी को ऑफ करना है। जीएसटी को मैंने पहले से एक्टिवेट कर रखा है, तो जीएसटी को हमें ऑफ करना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी को ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, जीएसटी को ऑफ करने के लिए यहां से F11 की प्रेस करते हैं, और ये जीएसटी जो दिया हुआ है ना, इसको मैं ऑफ कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, अभी जीएसटी ऑफ हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से F11 की प्रेस करके हम अब वैट को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं वैट है, ये देखिए ये तीसरा ऑप्शन टैक्सेशन में, चौथा ऑप्शन जो है वैट का है, तो यहां से बस आपको वैट को यस करना है। ये टीसीएस ऑप्शन को भी नो कर दीजिए, ठीक है, वैट को यस करना है और एंटर प्रेस करना है एक बार। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही स्टेट आ रहा है आपका, तो आप यहां पे स्टेट डाल दीजिए, और यहां पर आप अपना टिन नंबर जो भी आपका है वो डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर सीएसटी रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन का डेट है, फिलहाल छोड़ता हूं। यहां पर आता हूं, वाई प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं, 12% टैक्स इसमें भी लगा देता हूं, 3% एडिशनल टैक्स लगा देता हूं, ठीक है। यहां पर इसको भी यस कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, एंटर प्रेस करके, और अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो यहां पर अब यहां पर ये देख सकते हैं कि हमें जाना है परचेज वाउचर में। हमने अभी तक क्या किया, वैट का लेजर क्रिएट किया था, ठीक है। तो परचेज वाउचर में आए, यहां पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आएगा
क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो देखिए इसमें क्रेडिटर पार्टी कौन सी है, कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी हम ले सकते हैं। तो ये देखिए संजय क्रेडिटर, एक क्रेडिटर पार्टी हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसी को ले लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, लाइक कीबोर्ड है तो कीबोर्ड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है तो लोकेशन क्या डालेंगे, जैसे मैं लोकेशन डाल देता हूँ न्यू कॉलोनी, हमने गोडाउन बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 50 कीबोर्ड के आइटम हम यहाँ पे रख रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वैट का लेजर लगाना होगा। तो लेजर क्या हमने बनाया है, लेजर अगर नहीं बनाया तो हमें बनाना पड़ेगा, इसके पहले हमने जीएसटी एक्टिवेट कर रखा था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैट एट द रेट 12%, तो ये हमने लगा दिया वैट एट द रेट 12%। अब यहाँ पर क्या करना है, वैट लगाना है। तो वैट के लिए क्या ग्रुप होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए यहाँ पर जाकर के, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। और ये है क्या, ये वैट है, तो यहाँ पे वैट लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए, नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूं मैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे इसको तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका वैट कैलकुलेट हो जाएगा, और एंटर प्रेस करके आप एडिशनल टैक्स का लेजर बना लीजिए। तो कुछ इस तरीके से एडिशनल टैक्स बनाइए, एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो ये एडिशनल टैक्स हो गया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, इस बार ये एडिशनल टैक्स है, एडिशनल टैक्स लगा दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आइए और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखेंगे कि इसका भी अमाउंट जो है कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, और एंटर 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 प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा काम आपका। अब जब इसी एंट्री को आप सेल्स में पास करेंगे, मैं आपको सेल्स में भी एंट्री पास करके दिखाता हूं एफएड प्रेस करके। तो ये देखिए एफएड प्रेस किया, सेल्स में आ गए हम, सेल्स में आने के बाद हमें कोई भी एक डेटर पार्टी लेनी है, बस यहाँ पे डेटर पार्टी लेकर के एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए, ये सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, लाइक कीबोर्ड ले लेते हैं, 453 आइटम है, कहां से उठाते हैं देखते हैं न्यू कॉलोनी में है कि नहीं, 110 आइटम न्यू कॉलोनी में है, तो ये पूरा का पूरा हम सेल कर दे रहे हैं 110 आइटम। रेट यहाँ पे 780 रुपए लग रहा है, आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं रेट को। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 820 रुपए, रेट और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये 820 कर दिया तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये एक ही चीज हम सेल करते हैं, और यहाँ पर आते हैं वैट का लेजर लगाते हैं। देखते हैं वैट का लेजर लगाने से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जा रहा है। तो सेल्स में आपको लेजर नहीं बनाना है, परचेज में ही आप बना करके जब आपके पास सामान आता है, जब सामान आता है तो आप परचेज में ही सारी एंट्रीज पास कर लेंगे और फिर सेल्स में बढ़ा करके बेचेंगे, दाम उसमें ज्यादा होना चाहिए सेल्स में, तभी आपको प्रॉफिट होगा। बाकी एडिशनल टैक्स भी बनाया था हमने, तो ये एडिशनल टैक्स लगा दीजिए, ये काम हो गया आपका। एंटर 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 करिए, बॉल खत्म हो गया, अब यहां से बाहर आ जाइए। ठीक है, बाहर आकर के दो बार डी प्रेस कीजिए, देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे अविनाश डी वाला जो हमारा था वही था। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें एडिशनल टैक्स और वैट वगैरह जो भी लगा हुआ है वो सारा कुछ लगा हुआ है। और यहाँ से अगर मैं बाहर आता हूँ, लाइक ये देखिए ये मैं बाहर आ गया, फिर यहाँ पर दोबारा डी प्रेस करते हैं, और जो परचेज वाला लेजर था वो कौन सा था, संजय क्रेडिटर वाला था। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसी तरीके से आपको भी करना है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।